हम तो मुल्क के अमनो अमान के पैरोकार हैं भाई, सही मायनों में। ये जो दिल्ली के बड़े बड़े एसी कमरों में कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मुल्क के अमनो अमान के लिए हम एहतजाजी खुतबे करेंगे, शमशाद जी मैंने तो उस दिन भी सवाल किया था कि जब भारत देश के अंदर में बंगाल से एक मौलाना बोलता है कि इस देश के चार टुकड़े कर दिए जाएंगे, भारत के चार पाकिस्तान बना दिए जाएंगे, तब अमनो अमान कहां गया था, तब क्यों नहीं एहतजाजी खुतबे किए। जब छोटा मवेशी बोलता है कि 25 करोड़ लोग 15 मिनट में 100 करोड़ को निपटा देंगे, तब कौन सा अमनो अमान बढ़ रहा था देश में, तब क्यों नहीं एहतजाजी खुतबे किए। ये दोगलापन है शमशाद जी, इस बात को समझो। कुरैशी, इस बात को समझो। अब्बास जी, गाजी अली, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आज आप जैसे जो युवा पीढ़ी है मुसलमानों में, जो पढ़ी लिखी है, उनको भी खुलकर के आगे आना चाहिए और अपनी मसाजिद में, अपने मदारिस में ये सवाल करने चाहिए। क्योंकि देखिए, कल को आपकी घर की बहनें, आपके घर की बेटियां भी कहीं जाके ब्याहेंगी, और समझो जहां पे आपकी बहनें, आपकी बेटियां ब्याही जाएंगी, वहां पे जाकर के फिर उनके साथ में ऐसा कुछ होगा। ये बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन लाने की एक मुहिम होनी चाहिए अरशद अली, है ना। एक ये सबसे आसान तरीका है अरशद अली, ये बोल देना कि ऐसा काम करने वाला मुसलमान नहीं है। तो मुझे बताओ, मोहम्मद गुलाम रसूल कौन है? मोहम्मद गुलाम रसूल कौन है? हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, क्या है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, क्या है, है ना। ये तरीका नहीं है ये बोल देना कि वो मुसलमान नहीं है। मैं वही चीज कह रहा हूं, आतंकवाद की घटना हो जाएगी तो कोई पल्ला झाड़ लेगा, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, उनसे हमारा लेना देना नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस तरह से इनमें एस्केप रूट नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। मैं जो कहना चाह रहा हूं ना, एस्केप रूट इज नॉट द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस द सब्जेक्ट, एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर आंसर टू एवरी क्वेश्चन। ये करना पड़ेगा अरशद अली हमारे को, है ना। और प्यार से बातें करते हैं बिना किसी गाली गलौज के। मैं देखो, कितनी छोटी सी बच्ची होगी, फूल सी बच्ची होगी यार, 4 साल से दुष्कर्म कर रहा है बाप उसके साथ में, 16 साल से, यहाँ 40 कुतियां निपटा दी, और क्या कह रहा है, मैं कुतियों को खाना खिलाता हूँ, इसका मतलब मेरे को हक दिया है अल्लाह मियाँ ने कि मैं उनका काम तमाम करूं। अब बताओ, ऐसा कहा है अल्लाह मियाँ ने? मेरे को तो पता नहीं भैया, आप लोग मुझसे ज्यादा इस्लाम पढ़ते हैं, आप लोग तो सब कुछ करते हैं, आप ही बताओ। यहाँ बकरी को निपटा दिया 8 लोगों ने मिलके, और मजे की बात, यहाँ चिकन मुर्गी के बच्चे निपटा दिए जब तक वो मर नहीं गए। और वाइफ इतनी कोऑपरेटिव, हलीमा उसकी बीवी का नाम है, हलीमा पूरा वीडियो शूट कर रही, रेहान बे काम में लगा हुआ। तो ये मानसिकता क्या है, इस मानसिकता के विरुद्ध हमारी लड़ाई। अगर कोई लोग हमें कहते हैं कि हम किसी मुसलमान के खिलाफ है, नहीं, हम उस मानसिकता के खिलाफ है जो मानसिकता इस तरह के घृणित अपराधों की ओर समाज को लेकर के जाती है। हम उस मानसिकता के विरुद्ध हैं जो मानसिकता इंसान को बम बात के फटने की सीख देती है। हम उस मानसिकता के खिलाफ है जो मानसिकता कहती है कि लोकतंत्र में संवाद की गुंजाइश नहीं है, लोकतंत्र में सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। हम उस मानसिकता के खिलाफ है मेरे दोस्तों। ये जो वैचारिक युद्ध है, ये वैचारिक युद्ध एक मानसिकता के विरुद्ध है। ये बाल बराबर अंतर समझो। मुझे दिन में 100-100, 200-200, 500-500 कॉल्स मैसेज आते हैं, गंदी गंदी गालियां आती है, मेरे को जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी, ये सब कुछ मैं सुनता हूं, लेकिन मैं सामने से कुछ उनको जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुझे आपके अज्ञान पे तरस आता है। आज मैं इसलिए लाइव आकर के सारी बता रहा हूं, ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि मेरी लड़ाई किसी इंडिविजुअल से नहीं है, मेरी लड़ाई उस मानसिकता के विरुद्ध है, उस थॉट प्रोसेस के विरुद्ध है, और वो थॉट प्रोसेस आपके लिए ही खतरनाक है। ये जो मोहम्मद शकील की बेटी है, ये मुसलमानी ही है। मोहम्मद गुलाम रसूल की जो बेटी है, वो मुसलमानी ही है। ये जो हादसे हो रहे हैं, ये मुसलमान बेटियों के ऊपर ही हो रहे हैं। इसलिए मेरी बात को आप लोग ठंडे मन से समझो, फिर अपने अंतरात्मा में झांक के पूछो कि क्या मुझे गाली देने से आपको कुछ हासिल होगा? नहीं। आपको उस मानसिकता को गाली दो मेरे दोस्तों, जिस मानसिकता में ये सिखाया जाता है कि किसी दूसरे की बात को ना सुनो ना समझो, बस तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। उस मानसिकता से आपको मेरे साथ मिलकर के लड़ना होगा, तब हम मुल्क में अमनो अमान की बात कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मुझे आज सिर्फ इतना ही कहना था आज इस लाइव में, और कोई विशेष बात नहीं है। आप सभी साथी जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी